पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की इस हाईजैक को भारत की साजिश साबित करने की। हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए मुसलमान, हमारा एक एजेंट लापता है, पिछले 2 सालों से। मैं जानता हूं तुम उन दोनों को बचाना चाहते हो। वो तालिबान और उनके मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहा था। दोस्तों, वायरअप के आदित्य चोपड़ा पठान 2 के लिए किसी नए निर्देशक की तलाश में जुट गए हैं। वह नहीं चाहते कि स्पाइनोर्स्की किसी भी फिल्म में कुछ भी दोहराया जाए। आदित्य चाहते हैं कि स्पाइनोर्स्की बन रही हर फिल्म को देख दर्शकों की ताजगी का अनुभव हो, फिल्म के शॉट्स, एक्शन और निर्देशक में किसी भी तरह का दोहराव ना हो, इसीलिए वह पठान 2 को सिद्धार्थ आनंद के हाथ में सौंपना नहीं चाहते। हालांकि अभी पठान 2 के लिए निर्देशक का चयन नहीं हुआ है, लेकिन साल के अंत तक इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की योजना चल रही है। सिद्धार्थ आनंद ने पठान 2 से किनारा कर लिया है, लेकिन यशराज फिल्म के साथ की साझेदारी बरकरार है। उन्हें प्रोजेक्ट टाइगर वर्सेस पठान का निर्देशन सौंपा गया है, जिसमें सलमान खान और शाहरुख खान आमने सामने नजर आएंगे और दर्शकों को दोनों का एक अलग अंदाज देखने को मिलेगा। बता दें कि पठान 2 वायरअप स्पाइनवर्स की 8वीं किस्त होगी, एक फ्रेंचाइजी जिसने एक था टाइगर वॉर और टाइगर जिंदा है जैसी फिल्मों से अपार सफलता हासिल की। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पठान 2 के लिए कौन सा डायरेक्टर बेस्ट रहेगा, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी एसआरके के डाई हार्ट फैन है तो ऐसे ही शाहरुख खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।